अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आपके चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। और एक बार फिर से स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट ईयर का टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स स्टूडेंट, वो हमने खत्म कर लिया। उनके मुताबिक जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, सबको हमने क्या स्टडी किया, उनकी नेचर को स्टडी किया। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे पीरियडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पीरियड और ग्रुप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, पीरियडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये जो आपको कॉलम्स नजर आ रही होती है पीरियडिक टेबल्स के अंदर, these are called what, these are called groups, these are called groups, that the horizontal line, sorry student, kya ke the vertical lines in the periodic table, yeah, the vertical column in the periodic table are called groups, and the horizontal lines, these, is tarah se jo hoti hain, these are called what, these are called periods, the horizontal line, the horizontal line in the periodic table are called periods. उनको क्या कहते हैं? उनको periods कहते हैं। और ये जो vertical line होती है from top to the bottom, these are called groups. Student, तो आज हम बात करेंगे group first element पे। periodic table के group first element पे। तो student, group first element of the periodic table is consist of, अगर इस पे हम बात करें, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सोडियम, ये सॉरी स्टूडेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कंटेन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट, इन ग्रुप फर्स्ट जो है वो इन एलिमेंट पे कंसिस्ट है स्टूडेंट, and these elements are called alkali metals. These elements are called alkali metals. In metals ko kya kaha jata hai? Inko alkali metals kaha jata hai. Why they are called alkali metals? Inko alkali metals kyun kehte hain? Because they form hydroxides and oxides. Ye kya karte hain? Ye oxide and hydroxide banate hain. And when these oxides and hydroxides are added to water, they form an alkaline solution. वो क्या बनाती है? एक अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन बना देती है, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट कि मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर द कंपोनेंट ऑफ एश, वो एश जिसको आप राख कहते हैं, एश, क्योंकि उसके कंपोनेंट है स्पेशली कौन से स्टूडेंट, स्पेशली सोडियम के और के जी पोटाशियम के, इनके के जी ऑक्साइड्स एंड वट हाइड्रोक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर मोस्टली द कंपोनेंट ऑफ एशेज, दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड वट अल्कली मेटल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि ग्रुप फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट मेटल्स, ये तकरीबन मेटल्स पे कंसिस्ट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि क्या है, नॉन मेटल। अगर स्टूडेंट हम मजीद इन मेटल्स ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, दीज आर द वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये क्या है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और स्टूडेंट इट कैन नॉट बी स्टोर इन द लैब एक्सेप्ट जो फर्स्ट थ्री इसके एलिमेंट है स्टूडेंट, फर्स्ट थ्री इनको क्या किया जाता है, इनको लैब के अंदर रखा जा सकता है, और जो बाकी है स्टूडेंट इनको लैब के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि क्या होते हैं, वायलेंटली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लिहाजा इन फर्स्ट थ्री को छोड़ के बाकियों को लैब में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा स्टूडेंट अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्टूडेंट बात कर लेते हैं।
सबसे जो पहला करैक्टरिस्टिक है स्टूडेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि न्यूक्लियस के गैर शेल सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो तकसीम होती है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर स्टूडेंट हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1 ऑफ व्हाट NS1 वेयर n मे बी एनी इंटीग्रल, जहां पे n क्या कोई भी इंटीग्रल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 7। ये क्या स्टूडेंट, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टूडेंट हम अगर बात करें इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है वो कंसिस्ट है किसी पे, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के ऊपर। देखें, मैंने आपको बताया कि देयर जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, इज व्हाट NS1। तो हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होगी स्टूडेंट 1s1। इसकी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी 2s1, अगले की 3s1, आगे 4s1, 5s1, 6s1 और केजी 7s1। देखे स्टूडेंट NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ नीचे आते हुए n की वैल्यू जो है ना हर एक एलिमेंट के साथ एक एक बढ़ती जाएगी। देखे n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर स्टूडेंट मैं इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखूं, तो कंप्लीट क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s 1s2 2s 1। देखें ये नीचे फिर 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह 4s1। तो स्टूडेंट इसके इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे स्टूडेंट ये चीज में बड़ी डिटेल में करवाऊंगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, ट्रिक है स्टूडेंट के एटॉमिक नंबर को, ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट्स का, इनको मेमोराइज कैसे किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर याद करने की। अब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने की, लेकिन जब तक इसके के 1 है, इसके 3 है, इसके 11 है, इसका 19 है, इसका आई थिंक 37 है, इसके 55 है और इसका केजी 87 है। स्टूडेंट अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि हाउ टू मेमोराइज अ एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट देखें, मैं अब आपको कहता हूं कि ये केजी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, क्या ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड थोड़े से नीचे लिख देते हैं, यहां पर शायद लाइट इश्यू हो। देखें ग्रुप फर्स्ट एंड व्हाट ग्रुप सेकंड, और फिर केजी ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड, और आगे केजी ग्रुप थर्ड एंड केजी ग्रुप फोर, ग्रुप फोर एंड ग्रुप फिफ्थ, अच्छा ग्रुप फिफ्थ एंड ग्रुप सिक्स, और केजी ग्रुप सिक्स एंड ग्रुप सेवंथ। आप देखें, अच्छा जी सिक्स, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड व्हाट ये केजी 7 और आगे केजी 8। अब देखें, अब स्टूडेंट अगर आप देखें यहां पे, ये राजा स्टूडेंट यहां देखिए, अब अगर हम यहां पे देखें, अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है, आपको अगर ग्रुप फर्स्ट का पता है, ग्रुप फर्स्ट के किसी एलिमेंट का केजी आपको पता है, तो आप क्या करें, लेट आपको ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का पता है कि उसके एटॉमिक नंबर क्या है, तो जब आप ग्रुप सेकंड का वो जो ना आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको उसकी तरीका बताता हूं। आपको लेट आपको पहले का केजी पता है, तो अगर आपने फिर क्या करना है, उसी के नीचे जो है, उसी ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर है, अगर आपने उसके, तो आपने
जो पहले का आपका एटॉमिक नंबर पता है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने करना है स्टूडेंट प्लस एट नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, आपने उसमें क्या करना है, प्लस टू करना है, प्लस टू आपने उसमें कर देना है, उसमें आपने प्लस टू कर देना है। अब सुन, जब आपको इसका पता है तो इसमें आपने क्या करना है, ये प्लस एट मजीद करना है, और अगर इसका पता है तो इसमें मजीद प्लस एट करना है। अगर किसी इस ग्रुप का आपको पता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें क्या करना है, 18 आपने ऐड करने हैं, और अगर इसका पता है तो इसमें मजीद प्लस 18 कर लें, तो क्या जी इसमें आखिर में आगे कितने जी आप 32 जो ना वो आप ऐड करें। अब देखें ये इसलिए, अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के तरीका बताता हूं स्टूडेंट। अब देखें ना कि मतलब कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अब यहां पे कि यहां पे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का कोई एलिमेंट है, अगर उसके नीचे जो दूसरा एलिमेंट है आप उसके उसके लिए आप एटॉमिक नंबर लिखना चाहते हैं, तो पहले वाले के एटॉमिक नंबर में दो जमा करें, फिर अगर आपको सेकंड का पता है थर्ड का लिखना है तो सेकंड वाले में प्लस एट करें, अगर थर्ड का पता है फोर्थ वाले का लिखना है फोर्थ पीरियड वाले का तो उसमें प्लस एट मजीद करें, अगर आपको फोर्थ का पता है और उसके निचले वाले का लिखना है तो उसमें प्लस 18 करें, अगर फिफ्थ का पता है और सिक्स वाले का लिखते हैं तो उसमें प्लस 18 करें फिर, और अगर आपको सिक्स का पता है आपने सेवन का लिखना है तो सेवन में आप फिर क्या करें 32 करें। अब देखें स्टूडेंट यहां पे मैं आपको ये समझा देता हूं, देखें यहां से ही मैं आपको समझा देता हूं। ग्रुप फर्स्ट किस चीज पे कंसिस्ट है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अब देखें स्टूडेंट आपको हाइड्रोजन का पता है कि के जी वन है ना, देखें ग्रुप फर्स्ट का आपको पता है कि के जी वन है। अब मैं क्या करूंगा उसके नेक्स्ट मेंबर मतलब कि पीरियड टू है, ये देखें ये हाइड्रोजन पीरियड वन में तो नीचे के पीरियड टू है, अब इसके नेक्स्ट का जब मैं लिखूंगा तो उसमें प्लस टू करूंगा तो वन प्लस टू तो क्या जी थ्री, लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन। अच्छा जी अभी मुझे दूसरे का भी मुझे पता चल गया है, ठीक है दूसरे के ये थ्री है, अब मैं अगले का लिखना चाहता हूं तो अगले में मैं क्या करूंगा प्लस एट करूंगा, तो देखें थ्री प्लस एट तो के जी इलेवन। अब देखें इलेवन मैंने किया, अब मुझे पता है किस चीज का जी थर्ड का मुझे पता है, मुझे इसका पता है तो इसमें मैं प्लस एट करूंगा मजीद, अब मैं इलेवन के अंदर एट और करूंगा तो क्या हो जाएगा नाइनटीन, तो नाइनटीन इसका एटॉमिक नंबर। अब जब मुझे इसका पता है वन टू थ्री फोर, अब मुझे इसका मुझे पता है ग्रुप फोर्थ वाले का, तो अब जब मुझे इसका पता है तो इससे निचला जो एलिमेंट है उसमें मैं क्या करूंगा कि पिछले वाले के एटॉमिक नंबर में 18 में मजीद जमा करूंगा, तो ये हो जाएगा क्या ये 37, 19 प्लस 18 क्या 37। अब अगले वाले का अगर मुझे पता है मुझे अब इसका पता चल गया तो इससे जो निचला है वो मालूम करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा प्लस 18 मजीद करूंगा तो ये हो जाएगा 55। अब जो आखिरी है आखिरी में मैंने फिर क्या करना है जी 32 ऐड करने हैं, अब देखिए 55 है तो 55 में मैं 32 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। इस ट्रिक को समझे, आपको पहले का पता है पहले के वन उससे निचले का लिखना है तो प्लस टू उसमें मजीद ऐड करें, प्लस टू आप क्या करें उसमें मजीद ऐड करें तो क्या हो जाएगा देखें थ्री, अब आपको इसका पता है उससे निचले का ऐड करने के लिए आप क्या करें उसमें एट ऐड करें आठ आप मजीद ऐड करें तो 11, उससे निचले का तो पिछले वाले में मजीद 18 ऐड करें तो 19। देखें अब देखें अगले में फिर क्या 18 19 जमा 18 ठीक है, उसमें आगे फिर क्या करें आप मजीद 18 ऐड करें और आखिर में जाके आप क्या करें आप 32 उसमें ऐड करें। तो स्टूडेंट ये ट्रिक है कीजिए एटॉमिक नंबर याद करने का। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं इस ट्रिक को यूज करता हूं ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के लिए, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के जी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। अब देखें लेकिन आपने याद रखना है कि जो पहला मेंबर है आपका वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब देखें तो आपके पास जो बेरिलियम है बेरिलियम है बेरिलियम स्टूडेंट ये आपको पता है बिलोंग करता है किससे, ये बिलोंग करता है पीरियड सेकंड से, क्योंकि मैग्नीशियम थर्ड से आप लोग पीछे पड़ गए हैं तो ये सेकंड से बिलोंग करते हैं, सेकंड से बिलोंग करते हैं,
और इसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर है दैट इज Kg4। अब देखें इसे, देखें ना पीरियड ये आ गया ना सेकंड वन, ये पीरियड फर्स्ट के एलिमेंट का आपको पता है, तो सेकंड वाले का देखें मुझे पता चल गया कि फोर है। अब देखें, अब मैं इससे नीचे पीरियड थर्ड है उसके लिए जब मैं एटॉमिक नंबर क्या लिखूंगा तो उसमें क्या मैं ऐड करूंगा प्लस एट, इसमें 18 ऐड करूंगा तो क्या 12। देखें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12 है ना। अब इससे निचले के लिए मैं लिखना, मुझे इसका पता चल गया ठीक है क्या 12 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा मजीद जो है ये ऐड करूंगा, तो कैल्शियम की 20 है ना। अब देखें इससे मजीद नीचे की जिस स्ट्रॉन्शियम है, तो स्ट्रॉन्शियम में मैं क्या करूंगा जो ये एटॉमिक नंबर इसमें मैं क्या 18 में ऐड करूंगा, तो ये 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब इससे निचला लिखने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें 18 मजीद ऐड करूंगा, तो देखें मैं जब इसमें 18 मजीद ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा Kg 56, 56। और इससे आगे लिखने के लिए आहर में आके मैं कितने ऐड करूंगा, मैं 32 ऐड करूंगा, 32, 32 में इसमें ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 86 और 88। देखें रेडियम क्या 88। देखें मैंने ग्रुप सेकंड के एलिमेंट पे भी अप्लाई कर लिया, अगर आपको ग्रुप फर्स्ट का पता है आपने उसे निचले के एलिमेंट का लिखने, उसी ग्रुप का अगला मेंबर जो है देखें तो आप उसमें पिछले वाले में दो मजीद ऐड करें, फिर अगर आपको इसका पता है तो फिर अगले में एट, अगला लिखने के लिए उसमें मजीद एट, और अगला लिखने के लिए फिर 18, फिर अगला उससे अगला लिखने के लिए मजीद 18 ऐड करें, उससे अगला लिखने के लिए फिर क्या 32। तो ग्रुप फर्स्ट का अगर आपको पता है तो सेकंड, तो क्या जी ग्रुप फर्स्ट और टू के दरमियान के जी टू का गैप है, फिर टू और थ्री के दरमियान एट का गैप है, फिर थ्री और फोर के दरमियान एट का गैप है, फिर फोर और फाइव के दरमियान 18 का गैप है, फिर फिफ्थ और सिक्स के जी 18 का गैप है, और फिर क्या सिक्स और सेवन का कितना कितना गैप है 32 का गैप है। अब स्टूडेंट ये बात आ गई जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो वो मैंने आपको बता दी कि ग्रुप फर्स्ट के जो वैलेंस जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो के वो है NS1, जहां पे n इज इक्वल टू कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है फ्रॉम 1 to 7। स्टूडेंट अगले प्रॉपर्टी में बात करते हैं, और अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट दैट इज मेटल, तो तकरीबन जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है तो वो क्या है जी वो सारे के सारे क्या है जी नेचर के लिहाज से सारे के सारे मेटल्स हैं, और क्या है जी हाईली रिएक्टिव मेटल है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम बात करें इनकी नेचर के साथ साथ हम कहते हैं ये हाईली मेटालिक इन नेचर, तो जब हाईली मेटालिक इन नेचर होंगे तो दे आर व्हाट दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या है जी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और इसके साथ साथ कि इन मोल्टन स्टेट आर इन सोल्यूशन फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअल स्टूडेंट दे आर सॉफ्टर देन अदर मेटल्स, ये क्या है सॉफ्टर है, सॉफ्टर देन अदर मेटल्स, ये क्या ये दूसरे मेटल से क्या है ये थोड़े से नरम है ड्यू टू इट्स स्लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इनकी ये सॉफ्टनेस की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है स्टूडेंट लो होता है। अब स्टूडेंट ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपका जो सोडियम होता है उसको आप चाकू या किसी नाइफ से आप क्या कर सकते हैं आप काट सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट की दे है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो क्या होते हैं वो लो होता है। अब स्टूडेंट इनके कुछ ट्रेंड्स पे बात करते हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ ट्रेंड्स है उस पे बात करते हैं, इनके ट्रेंड्स के कि ट्रेंड्स है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी ट्रेंड पे बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पीरियड में डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट दैट इज अ ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड है ना एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है ना वो देखेंगे स्टूडेंट, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो स्टूडेंट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्राउंड, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है ये क्या होता है इंक्रीज होता है। अब ये क्यों इंक्रीज होता है, ये इसलिए इंक्रीज होता है कि एज वी मूव्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन अ ग्रुप वन बाय वन द एक्स्ट्रा शेल इज एडेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, के हर एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है एक एक शेल
बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो ज्यादा होते जाते हैं और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं ये केजी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस के एक शेल है, नीचे इसके केजी लिथियम है तो लिथियम में कितने है? ये दो है, देखें दो। अब देखें ये न्यूक्लियस है किस चीज का, सोडियम का, तो एक दो उसमें के तीन है, इससे जो अगला है उसके न्यूक्लियस है उसके गिर के चार है, चार। इस तरह जो इससे नीचे उसमें न्यूक्लियस के गिर पांच शेल है, फिर उससे अगला जो है उसके न्यूक्लियस के गिर छह शेल है, उससे जो सबसे आहार में उसमें क्या सात शेल है, तो डाउन द ग्रुप इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो के बढ़ता जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल टू टू द न्यूक्लियस ऑफ ईच एलिमेंट ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस ही न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है, तो जब शेल ऐड होता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगले ट्रेंड में बात करें तो ट्रेंड है ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड है ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यूजुअली स्टूडेंट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस the nucleus between the distance between the nucleus and outer electron increases due to which the nuclear charge or the nuclear holds on the electrons decreases and when the nuclear hold decreases then it becomes easy to release an electron which is known as ionization and the energy required for this process is ionization energy। और अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगी, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यही वजह स्टूडेंट क्योंकि न्यूक्लियस डाउन द ग्रुप आते हुए चूंकि एक एक शेल बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता है, तो जब ये डिस्टेंस बढ़ता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाता है, तो जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाता है एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन आपको होता है वो इतना लूजली बाउंड होते हैं, और जितना लूजली बाउंड होते हैं तो उतनी उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, कम रिक्वायर्ड होती है, तो एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। लिहाजा जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें कि ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करें, तीसरी जो चीज है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि एक एटम की वो प्रॉपर्टी कि जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब स्टूडेंट आपको पता है कि एज वी मूव्स डाउन द ग्रुप द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर electrons increases as a result nuclear charge increases, तो जब nuclear charge increase होता है तो जब वो अपने electron को इतना tightly bound नहीं कर सकता तो क्या वो shed pad of electron को खींच सकेगा, इतनी मजबूती से नहीं खींच सकेगा, as a result the electronegativity decreases। लिहाजा जो electronegativity होती है वो क्या होती है, down the group क्या होती है, decrease होती है, electronegativity decreases down the group, decreases लिए होती है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप आते हैं एक एक शेल बढ़ते जाते हैं, जब एक एक शेल बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होते हैं वो ज्यादा होते जाते हैं, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होती जाती है, कमजोर होती जाती है, ये कम होती जाती है न्यूक्लियर होल्ड। तो जब ये न्यूक्लियर होल्ड कम हो जाते हैं एज अ रिजल्ट वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड नहीं कर सकता, तो जब उसके इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड में शेयर हो जाए तो अपने इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली बाउंड नहीं कर सकता, तो क्या वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा, नहीं, उससे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं संभाला जा रहा तो वो शेयर्ड पेयर को कैसे अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो के जी डाउन द ग्रुप पर इंक्रीज होती है। स्टूडेंट आप ये वैल्यूज देख सकते हैं अपनी बुक से एटॉमिक रेडियस की, आप देखेंगे कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कम, लिथियम का ज्यादा, पोटेशियम का उससे ज्यादा, रुबिडियम का उससे ज्यादा, सीजियम का, फ्रांसियम का सबसे ज्यादा। इस तरह आप आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी, वैल्यूज आपकी बुक में रिटर्न है।
और इस तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी देखेंगे कि क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप पर डिक्रीज होगी। तो रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप स्टूडेंट इससे अगली एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे इसकी बात करते हैं, दैट इज व्हाट दैट इज अ ट्रांजिएंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें जो ट्रेंड होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो क्या होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सॉरी लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सोडियम से, सोडियम का ज्यादा होगा किस चीज से, पोटेशियम से, पोटेशियम का ज्यादा होगा रुबिडियम से। मतलब कि डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, डाउन द ग्रुप आते हुए कि जो आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डिक्रीजेस, ये क्या होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि द बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इन अ क्रिस्टल लैटिस दैट इज डिक्रीजेस, ये क्या होती है, ये स्टूडेंट यानी जो आपके जो पार्टिकल होते हैं किसी भी लैटिस के अंदर वो इतने टाइटली हेल्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम के होंगे वो क्या होंगे, वो टाइटली हेल्ड होंगे, तो लिहाजा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उससे निचले जो है क्या है लिथियम का क्या होगा, ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, सोडियम के उससे फिर थोड़े लूजली जो है ना बाउंड होंगे। अब जो सोडियम से नीचे के पोटेशियम है तो पोटेशियम के और भी लूजली होंगे, और इससे नीचे फिर क्या रुबिडियम उसके और भी लूजली, फिर सीधे फिर फ्रांसियम क्या सबसे लूजली। तो जितने लूज आपके पार्टिकल्स जो है ना वो बाउंडेड होंगे उतने ही उनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट वो कम होगा। आखिरी जो स्टूडेंट कहे तो ट्रांजिएंट डेंसिटी है, ट्रांजिएंट डेंसिटी, कि डेंसिटी का क्या सीन होता है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें स्टूडेंट, दैट इज जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज होता है। जनरली द डेंसिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्या होता है इंक्रीज होता है। बट हियर इज एन एनोमलस बिहेवियर कि सोडियम की जो डेंसिटी है ये ज्यादा है किस चीज से, ये ज्यादा है ये पोटेशियम से, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है किसी से पोटेशियम से। देखें मैंने कहा कि जनरली डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज होता है, मतलब कि क्या कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए किस चीज से स्टूडेंट, जनरली क्या होती है इंक्रीज होती है। अब देखिए इसकी ज्यादा होनी चाहिए लिथियम से, और जो स्टूडेंट्स पे अगर हम बात करें कि देखें कि जनरली क्या होती है इंक्रीज होती है, जनरली डाउन द ग्रुप पर इंक्रीज होती है, मतलब कि हाइड्रोजन की क्या होगी कम होगी, लिथियम की फिर क्या होगी ज्यादा होगी लिथियम की। अब देखिए चूंकि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन ऊपर है उसकी डेंसिटी कम, उससे नीचे फिर क्या है लिथियम है उसकी ज्यादा, और इससे फिर ज्यादा होगी किस चीज की, सोडियम की, सोडियम की आप देखें होना जनरल ट्रेंड जो है ना ये चाहिए, और फिर क्या जी पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की, और फिर फ्रांसियम की। मतलब कि क्या कि द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन लिथियम विच इज लेस देन सोडियम विच इज लेस देन पोटेशियम विच इज लेस देन रुबिडियम विच इज लेस देन सीजियम एंड विच इज लेस देन फ्रांसियम। फ्रांसियम की जो डेंसिटी होती है ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि क्या है कि सोडियम की जो डेंसिटी है, सोडियम की जो डेंसिटी है उसको अगर आप देखें कि पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए किस चीज से, सोडियम से, ये एक्सपेक्टेड है ये होना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता इसके क्या है कि उलट है कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है किस चीज से जी पोटेशियम से, सोडियम की डेंसिटी क्या है जी ज्यादा है पोटेशियम से। स्टूडी इसलिए क्योंकि जो सोडियम है दैट इज द मेंबर ऑफ अ ग्रुप सॉरी पीरियड थर्ड, ये क्या है जी पीरियड थर्ड के मेंबर है, और इसके न्यूक्लियस के गिर्द अगर आप देखें एक दो और ये तीन, ये सोडियम के लिए है,
और अगर आप पोटेशियम की लेते हैं तो पोटेशियम का न्यूक्लियस है एक दो तीन और क्या जी चार। अब यहां से स्टूडेंट मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि देखें यहां पे सोडियम के न्यूक्लियस के गिर्द तीन शेल है और यहां पे पोटेशियम के गिर्द क्या है जी चार है। तो जब इसके गिर्द चार शेल है तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम फिर क्या होगा, वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा और इसका वॉल्यूम इसके मुकाबले में क्या होगा फिर कम होगा। तो अब मैं आपको यहां से एक रिलेशन में आपको बता देता हूं। देखें आपने देखा कि पोटेशियम का जो वॉल्यूम था वो क्या था ज्यादा था और सोडियम का जो वॉल्यूम था वो क्या था वो कम था। अब देखें आपके पास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि क्या कि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी कम होगी। तो आप देखें वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम पोटेशियम का ज्यादा है। तो जब पोटेशियम का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के गिर चार शेल हैं, जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी कम होगी। मतलब क्या कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम क्या होगी कम होगी, इज अ लेसर देन व्हाट सोडियम। अब देखें सोडियम की डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी, सोडियम की डेंसिटी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि आप अगर सोडियम का देखते हैं सोडियम का वॉल्यूम क्या कम है, सोडियम का वॉल्यूम कम है। देखें जब वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी फिर क्या है ज्यादा है, तो लिहाजा सोडियम की डेंसिटी ज्यादा पोटेशियम की कम। तो ये आगे स्टूडेंट कुछ हमारे पास कुछ ट्रेंड्स थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर भी वाइंड अप हुआ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर कोई नई चीज सीखी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। स्टे एट होम, सेव लाइव्स, खुदा।